महाराष्ट्र का फेमस मिसल पाव। मिसल को सर्व करने का भी एक तरीका है फ्रेंड। सबसे पहले मटकी डालेंगे, उसके बाद फरसान, फिर उसके बाद तरी डालेंगे और थोड़ा धनिया पत्ता और प्याज से सजा देंगे। वाह, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपको भी बनाने का मन करेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स महाराष्ट्र का फेमस मिसल की रेसिपी, जो कि पाव के साथ खाया जाता है, एकदम तीखा और चटपटा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिसल बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मटकी ले लिए हैं, स्प्राउट वाला मटकी। इसको 2 दिन पहले ही पानी में भिगो के कॉटन कपड़े में बांध कर रख दिए थे, जो कि इस तरह स्प्राउट हो गया है। ये स्प्राउट वाले मटकी का ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स मिसल पाव। एक कुकर में ये सारे मटकी को डाल देंगे। पूरी तरह से मटकी को नहीं पकाना है, बस आधा ही पकाना है। और इसमें पानी दे देंगे। चम्मच नमक दे देंगे। ढक्कन बंद करके फ्रेंड्स गैस पे सिर्फ 1 सीटी लगाना है। चलिए अब मिसल के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये लाल मिर्ची, खड़ा धनिया, खड़ा जीरा, और ये नारियल, और ये तिल, सभी को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए। अब इसको ठंडा करके मिक्सर में डाल के बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मसाले को पीस के तैयार कर लिए हैं। या आप उसमें फ्रेंड्स ये पोटे का मिसल मसाला आता है, आप इससे भी बना सकते हैं। ये रेडीमेड रहता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। आप 2 चम्मच डाल के बना सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। और ये मटकी भी अच्छे से बॉयल हो गया है फ्रेंड्स। अब इसको एक बाउल में छन्नी रख के मटकी को छान लेंगे। अब गैस पे एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए हैं, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून तेल दे देंगे। और इसमें सरसों का दाना, खड़ा जीरा और कड़ी पत्ता, अब सभी को अच्छे से चटकने देंगे। और अब इसमें एक बड़ा प्याज लिए हैं, इसको छोटा छोटा पीस में कट कर लिए हैं, इसको दे देंगे। मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, इसलिए अभी डाल रही हूँ। 1 चम्मच हींग दे देंगे। और प्याज भी अच्छे से भुन गया, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब इसमें जो मसाला तैयार करके रखे हैं वो दे देंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च और नमक। और ये सभी को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। एक चम्मच मिसल मसाला दे देंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं दीजिए। मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे फ्रेंड्स मसाले को, ताकि जले नहीं। और मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब इसमें पानी दे देंगे। और अब इसमें धनिया पत्ता दे देंगे। और अब इसमें उबाल आने देंगे। और अब अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें ये मटकी डाल देंगे।
अब इसमें वापस से उबाल आने देंगे और इसको ढक के 2 मिनट तक रख देंगे। अब मिसल में अच्छा सा उबाल आ गया है फ्रेंड्स। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और चलिए सर्व कर लेते हैं।